देख रहे नहीं, दिमाग इतने बढ़ गए, देख कितने बोल रहा बच्चा मेरे को लिखा हुआ है ये है, बोले तो फोटो खींच ले रही, मेरा नाम सुनते फोटो खींचे, इतनी दुश्मनी है हमारे से। रखने के बाद फोटो हर एक की फोटो ले रही, ठीक है चक्कर रहो लोग बेखुश, लोगों को मत मारो, गरीब हज्जा में बेचारा 1000 रुपए कहाँ से लेंगे लॉकडाउन में, नहीं। आप हमारी बस्ती का गरीब नौजवान हरी कृष्णा जो मदीना बिल्डिंग के पास पुलिस रोककर उसके फोटो खींच रहे थे, उसने मुझे आवाज़ दी, मैं रुक के देखा उसके पास नूरखां बाज़ार से बहादुरपुरे तक उसके पास पास था दबीरपुरा पीएस का, लेकिन पास तक देखना गवारा नहीं करे, फोटो खींच के कैसा बुक करना शुरू कर दिए। मैं गाड़ी से उतरा, उतर कर एहतजाज किया, चार मिनट ट्रैफिक इंस्पेक्टर दौड़ते हुए आए, उन्होंने कहा कि कब हुआ क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले हुआ, फोटोग्राफर को बताए और एक जवान कांस्टेबल को जो गाड़ी इनकी छीन के फ़ोटो लेने के लिए कहा था, निशानदेही की गई, तो इंस्पेक्टर ने माफ़ी चाही और कहा कि आप जाइए, हम कोई केस बुक नहीं करेंगे। फिर उनको वो लेटर बताया गया, इंस्पेक्टर भी देख के बोला कि इसके पास रहने के बाद कैसा फ़ोटो खींचते, तो ऐसा नहीं मालूम कितने लोगों के साथ ट्रैफिक पुलिस या लेनाडर पुलिस ऐसे वाकयात कर रही है कि गाड़ी रोकते ही फ़ोटो ले रही है, कैसा बुक कर रही है, पास बाद में देख रही, ये तरीक़ा पुलिस का गलत है। आप पूरा सेटिस्फाई होइए, डॉक्यूमेंट देखिए, कमिश्नर पुलिस के ऐलान के मुताबिक मेडिकल के अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो उनको कर्फ्यू की पास की ज़रूरत नहीं, सीधा वो दवाखानों को जा सकते, और जिसके पास भी पास है वो देखें, पूरे डॉक्यूमेंट चेक करके आप फोटो लो, कैसा बुक कर हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन ये गलत तरीके से लोगों को हरासमेंट करना पुलिस का काम नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इंस्पेक्टर ने वादा किया आइंदा से ऐसा नहीं होगा, चुनाचे वो हरी कृष्णा को उनकी फ़ोटो को डिलीट करके उनकी गाड़ी को भी वापस दे दिया गया। शुक्रिया।